Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, बेस्ट वे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टेलीग्राम पर जो टेस्ट पेपर डाला गया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा प्रश्न पत्र। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है, विरामावस्था से गतिशील होकर, विरामावस्था से गतिशील होकर किसी पिंड का त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। पिंड द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी होगी। इसकी ऑप्शन दे रखे हैं 6 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 8 मीटर। सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले देखो, यहाँ लिखा हुआ विरामावस्था, इसका मतलब यू बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। विरामावस्था प्रारंभिक वेग क्या हो गया, जीरो। गतिशील होकर किसी पिंड का त्वरण दे रखा है इसके अंदर, त्वरण कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और समय दे रखा है इसके अंदर कितना सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इसके अंदर समय दे रखा है। और जो वी है वो वी हमें नहीं दे रखा है, अगर उसकी आवश्यकता होगी तो हम निकाल सकते हैं। आगे हमें ज्ञात करना क्या है, दूरी ज्ञात करनी, कितनी दूरी तय करेगा। प्रारंभिक वेग दे रखा है और त्वरण दे रखा है और समय दे रखा है, ये तीन चीज़ें दे रखी है। तो हमें गति के समीकरण सोचने पड़ेंगे। अब गति का समीकरण जो होता है वो क्या होता है, या अब खाली पेज हो चुका है, यहाँ लिख लेते हैं। तो गति का समीकरण होता है एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, ये गति का समीकरण होता है। अब आप सोच सकते हैं यू बराबर मैंने जीरो बताया था, तो ये पूरा जो पद होगा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यू जब जीरो टी से गुणा होगा तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या, एस बराबर एस बराबर 1/2 एटी स्क्वायर। अब 1/2 और ए का मान दे रखा था टी, और समय दे रखा था 1 सेकंड, 1 सेकंड का वर्ग 1 ही होगा, कोई मतलब नहीं है। 2 का भाग 8 के अंदर कितनी बार, 4 बार, तो 4 मीटर वो दूरी तय करेगा। कौन सा ऑप्शन है, बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, यदि कोई पिंड समान वेग से, यदि कोई पिंड समान संवेग से सीधी रेखा में गतिमान है, यदि उस पर कोई बाएं बल न लगे तो उसके वेग में वृद्धि होगी, वेग नियत रहेगा, थोड़ी देर बाद पिंड रुक जाएगा, चाल में वृद्धि होगी। तो इस देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इसके वेग में वृद्धि होगी, वेग नियत रहेगा, थोड़ी देर बाद पिंड रुक जाएगा, चाल में वृद्धि होगी। इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसको सोचने के लिए हमें इस प्रश्न के अंदर ही कुछ हिंट दे रखा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है समान संवेग, क्या लिख रखा है, समान संवेग, और एक सीधी रेखा में गतिमान है, उस पर कोई बाएं बल है वो कार्य नहीं कर रहा है। तो हमें इस प्रकार सोचना पड़ेगा कि जैसे ये कोई सीधी रेखा है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई पिंड है, मान लीजिए ये पिंड है, और ये समान संवेग का मतलब P बराबर MV, हर बिंदु के ऊपर इसका जो संवेग होगा कहीं पर भी वो समान रहेगा, कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होगा। इसका मतलब उसका मास तो परिवर्तित होगा ही नहीं, उसका मास तो समान ही रहेगा। संवेग कब समान होगा, जब V क्या हो, समान हो, तो उसका जो वेग है वो नियत रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वेग है वो कम है, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, क्योंकि बोल रहा है कि संवेग क्या है, समान है, संवेग समान होगा। द्रव्यमान तो वैसे भी समान होगा, द्रव्यमान तो कम होने वाला नहीं है, तो वेग जब समान होगा तभी तो हर जगह है वो संवेग समान होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, वेग नियत रहेगा, वेग नियत रहेगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न,
बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये भी, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं इसको। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, ये जरूरी नहीं है। अगर ऋण मतलब ऋणात्मक त्वरण है तो चाल में वृद्धि कैसे होगी, चाल में कमी हो जाएगी। वस्तु की गति त्वरित होती है तो त्वरित धनात्मक त्वरण धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तो पहला ऑप्शन है वो कट हो गया, ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है, गति त्वरित होती है तो उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है। वेग में सदैव वृद्धि होना जरूरी नहीं है क्योंकि त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो, धनात्मक होगा तो वेग में वृद्धि होगी और ऋणात्मक होगा तो वेग में क्या होगी, कमी होगी। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, सदैव पृथ्वी की ओर गिरती कोई जरूरी नहीं है। उस पर सदैव कोई क्यों जरूरी नहीं है, सी के अंदर भाई पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं बल लगाकर या नीचे की तरफ फेंक रहे हैं ऊपर से, तो त्वरण है वो अलग हो सकता है, तो वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है जरूरी नहीं है। डी ऑप्शन है उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। हाँ, अगर उसकी गति त्वरित है या तो उसके ऊपर ऋणात्मक बल काम करेगा या उसके ऊपर धनात्मक बल काम करेगा, क्योंकि बल के बिना त्वरण संभव नहीं है। उसको वेग को बढ़ाने या घटाने के लिए बल की तो आवश्यकता होगी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। अगला प्रश्न क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए दो अनुपात तीन के अनुपात के वेगों से फेंके जाते हैं तो उनके द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। यानी कि दो पत्थर है उनको 2:3 के अनुपात के वेगों से फेंका जाता है तो वो कितनी ऊंचाइयां हैं वो प्राप्त करेंगे, उनका अनुपात ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर तो 4:9 होगा, परंतु ये कैसे होगा इसको हम थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। तो ये कैसे होगा, हमें पता है एक सूत्र होता है v² - u² = 2as, v² - u² = 2as। अब देखिए इनका जो अंतिम वेग होगा वो क्या होगा, सबका जीरो। पहले पत्र के लिए ये हो गया, दूसरे पत्र के लिए यहाँ समीकरण लिख रहा हूँ मैं v² - u² = 2as। जब हम समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना करेंगे, भाग देंगे, तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो रही है, जो इनका प्रारंभिक वेग होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो शून्य होगा तो इनका मान तो क्या हो गया, शून्य। और ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचा ही क्या है इसके अंदर, इनकी जो ऊंचाई है यानी कि जो एस है वही तो बची हाइट। तो जो ये वी है इनका अनुपात दे रखा है, तो वी जैसे इसका अनुपात दे रखा है 2 ही, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ तो हो जाएगा 4 और यहाँ वी 3 दे रखा था अनुपात में, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये किसके बराबर हुआ, एस के बराबर हुआ, इधर कटने के बाद में ये ध्यान रखोगे आप, या एस वन लिख लेते हैं, या क्योंकि ए तो है वो समान होगा दोनों के लिए 9.8, एस है वो अलग अलग होगी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, एक मशीन है वो 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है तो मशीन की सामर्थ्य होगी। तो मशीन की सामर्थ्य मतलब शक्ति ज्ञात करना है, और शक्ति बराबर होता है p = w/t होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, कार्य करने की जो दर होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। तो w हमें दे रखा है कितना जूल, 200 जूल, और समय भी हमें दे रखा है 8 का भाग देंगे हम किस में, 200 में, तो जो शक्ति आएगी उसका जो मात्रक होगा वाट होगा, 25 जूल इसका आंसर नहीं होगा, 25 वाट, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
सही उत्तर 25 वोट। अब देखिए अगला प्रश्न है, ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद की उच्चतम बिंदु पर ऊर्जा का रूप होगा। कैसे? जैसे ये कोई गेंद है, इसको ऊपर फेंका गया तो ये एक ऐसी स्थिति आएगी जिस पर ये रुक जाएगी गेंद, वो उसका उच्चतम बिंदु होगा, और जब रुक जाएगी तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न है, फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ जैसे पटसन, मूंग, ढेंचा अथवा गंवार आदि उगा देते हैं और उसके बाद। तो फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ जैसे पटसन, मूंग, ढेंचा अथवा गंवार आदि उगा देते हैं और उसके बाद उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इस हरी खाद को क्या कहते हैं? यानी कहने का मतलब है, खेतों की हम जब बुआई करते हैं या जुताई करते हैं उससे पहले हमें कुछ दिनों पहले उसके अंदर कुछ पटसन, मूंग वगैरह, ढेंचा वगैरह, गंवार वगैरह उगा देते हैं। जब वो थोड़े थोड़े वृद्धि कर लेते हैं तो उसके बाद में हलिया हमारे जो औजार हैं उनको चलाकर उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, उससे हरी खाद बन जाती है। तो उसका लाभ क्या होता है खेतों के अंदर? तो मिट्टी की जो उपजाऊपन क्षमता है वो बढ़ती है। बिल्कुल ये बात सही है। मृदा प्रदूषण नहीं होगा क्योंकि केमिकल वगैरह आप नहीं डाल रहे हो, जैविक चीज़ें ही डाल रहे हो। और सी ऑप्शन दे रखा है, मिट्टी NPK से परिपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल NCERT के अंदर ऐसा दे रखा है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है वो ये हरी खाद के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। तो उपयुक्त छवि इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी थी? सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक है वो कार्ल वॉन लिनी ने लिखी थी, कैरोलस लिनियस ने लिखी थी, जिसका नाम था कार्ल वॉन लिनी। दिव नाम पद्धति के जनक माने जाते हैं ये। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं, प्राणी विज्ञान के जनक हैं, और जो थियोफ्रेस्टस है वनस्पति विज्ञान के जनक है, और लेमार्क आप जानते हो जो आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था, इसने दिया था, और उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो सिद्धांत दिया था लेमार्क ने दिया था। यानी कि जीव अपने जीवन काल में जो लक्षण अर्जित करता है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिराफ से संबंधित प्रयोग किया था इसने। अगला प्रश्न, ये नौवा प्रश्न है, रेखित पेशी के संबंध में असत्य है। जो रेखित पेशी होती है हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई रहती है, ऐच्छिक होती है ये। इसकी पहला ऑप्शन है, इसकी एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ये बात बिल्कुल राइट है। जो अरेखित पेशी होती है उसकी एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, परंतु जब रेखित पेशी पूछा जाए तो उसकी एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये सत्य है अभी तक। तो इसमें गहरी व हल्की धारियां पाई जाती है। बिल्कुल राइट बात है, इसमें गहरी व हल्की धारियां पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं शाखित होती है, ये बात गलत है। जो हृदय पेशियां होती है उनकी कोशिकाएं क्या होती है? शाखित होती है। ये ध्यान रखोगे सी इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। रेखित पेशी को कंकाली पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेशियां शरीर की जो अस्थियां होती है उनसे जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी आपको मैं और बता देता हूँ कि जैसे ये हड्डी है, ये हड्डी है और ये पेशी है, मान लीजिए ये क्या है? पेशी है। तो पेशी और हड्डी है ये आपस में कंडरा या टेंडन के द्वारा जुड़ती है। याद रखोगे कंडरा या टेंडन ये संयोजी ऊतक होता है, उससे जुड़ती है। और आपको पूछा जाए हड्डी से हड्डी, जैसे ये हड्डी है और इधर भी एक हड्डी है, ये किससे जुड़ती है? तो ये लिगामेंट से जुड़ती है। याद रखना लिगामेंट किससे जुड़ती है? लिगामेंट नाम का जो संयोजी ऊतक है उसके द्वारा जुड़ती है। हड्डी से पेशी पूछा जाए तो कंडरा या टेंडन, और हड्डी से हड्डी पूछा जाए तो लिगामेंट जो तंतु होते हैं स्नायु उनसे जुड़ती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, लिग्निन कोशिकाओं को बनाने का कार्य करता है। जो लिग्निन होता है वो क्या करता है? कोशिकाओं को दृढ़ बनाता है, लचीला बनाता है, कमजोर बनाता है, पतला बनाता है। तो लिग्निन युक्त जो कोशिकाएं होती है
वो दृढ़ होती है, याद रखना है। लिग्निन दृढ़ कठोर बनाने का कार्य करता है कोशिकाओं को। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है? देखिए डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो ये कोशिका होती है, जैसे ये कोई कोशिका है तो उस कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके अंदर डीएनए होता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है, वर्तुल डीएनए, इस प्रकार का डबल स्ट्रैंड डीएनए, वर्तुल डीएनए पाया जाता है। और जो हरित लवक होते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर, उनके अंदर भी, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उनके अंदर भी डबल स्ट्रैंड वर्तुल डीएनए पाया जाता है। तो ईआर के अंदर नहीं होता है, राइबोसोम के अंदर नहीं होता है, लाइसोसोम के अंदर नहीं होता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, इनके अंदर हाइड्रोलाइजेज वर्क के एंजाइम भरे रहते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है ये, एंटीबायोटिक जीवाणु की कौन सी संरचना पर प्रभाव डालता है? एंटी जो बायोटिक होता है, जैसे पेनिसिलिन वगैरह, ये किसके ऊपर, जैसे ये जीवाणु है, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका भित्ति है, तो जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है वो जीवाणु की कोशिका भित्ति के ऊपर प्रभाव डालती है। जो बाहर वाली भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई, इसके ऊपर प्रभाव डालती है, तो कोशिका भित्ति हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे निम्न ऊर्जा कौन से स्तर की होगी? सबसे निम्न ऊर्जा कौन से स्तर की होगी? तो इसको थोड़ा सा समझ लेना, जैसे ये नाभिक है, उसके बाद में के कोष आता है, फिर एल कोष आता है, जिनको हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, फिर एम आता है, फिर एन आता है। तो सबसे निम्न जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा स्तर होगा, वो क्या होगा? के होगा। ये कक्षा 10 आरबीएसई बुक में लाइन दे रखी है, आप पढ़ सकते हो, जो शायद मेरे हिसाब से बोर और बरी का जो मॉडल है, बोर का जो मॉडल है उसके अंदर, बोर का परमाणु मॉडल, उसके अंदर दे रखा है। अगला प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने कौन सी किरणों की सहायता से न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्फा किरणें। बेरिलियम तत्व था, इसके ऊपर अल्फा किरणों की बौछार की, तो न्यूट्रॉन कण है वो बाहर निकल कर आए, तो अल्फा किरणों की सहायता से इसने, अल्फा किरण क्या होते हैं? द्विध्रुवीय हीलियम कण होते हैं, ये याद रखोगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिया गया है, किसी एक तत्व के समस्थानिकों में से कुछ रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीन समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। इनमें से जो अंतिम है 1H3 वाला, जिसको हम ट्राइटियम कहते हैं, वो रेडियो एक्टिव होता है। ऐसा क्यों है? दो बाकी जो है वो क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है, जो नाभिक होता है ना, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या एक निश्चित अनुपात के अनुसार, एक निश्चित अनुपात के बाद में जब, यानी कि एक निश्चित अनुपात तक है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, अगर उस अनुपात से, यानी कि वो जो अनुपात है वो बढ़ जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तब वो जो समस्थानिक होगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? इलेक्ट्रॉन व्यवस्था का भिन्न भिन्न होना, इससे कोई संबंध नहीं है, प्रोटॉन की संख्या का भिन्न भिन्न होना। अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तीनों समस्थानिकों के अंदर, चाहे प्रोटियम हो, चाहे ड्यूटेरियम हो, चाहे ट्राइटियम हो, तीनों के अंदर एक एक होंगे, इलेक्ट्रॉन भी एक एक और प्रोटॉन भी एक एक, तो ए और बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और आवेश परिमाण का अलग अलग होना, डी जो ऑप्शन दे रखा है, तो आवेश परिणाम का अलग अलग होना, हाइड्रोजन जो तीनों समस्थानिक उन पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है वो, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक एक प्रोटॉन है, तो उदासीन होंगे। अब अच्छा ऑप्शन है वो सी है, नाभिक की संरचना का भिन्न भिन्न होना। नाभिक की संरचना का भिन्न भिन्न होना का मतलब है उनके अंदर जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या का भिन्न भिन्न होना, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो सब में क्या होगी? समान होगी। न्यूट्रॉन जो प्रोटियम है उसके अंदर 0 होगा, ड्यूटेरियम में उसके अंदर 1 होगा, और ट्राइटियम के अंदर 2 होगा,
तो उनके अंदर जो ये न्यूट्रॉन की संख्या है वो भिन्न भिन्न है, तो इसी कारण उनकी नाभि की संरचना भिन्न भिन्न होगी और सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी कारण से जब अनुपात गड़बड़ा जाता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तब वे रेडियो सक्रिय हो जाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, इससे बहुत सारा फायदा होगा आपको। पीछे के कुछ वीडियो में विज्ञान और गणित की परिभाषाएं भी दे रखी है, भी ट्रिक 100% याद हो जाएगी मारवाड़ी भाषा में। 16% नारियल का रेशा बना होता है, नारियल का जो रेशा होता है नारियल की, देखो नारियल के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, जैसे ये नारियल है तो इसके अंदर इसका भूरण पोष खाया जाता है, एक तो ये याद रखोगे। जिनको मारवाड़ी में चिटकी कहते हैं वो भूरण पोष होता है, वो खाया जाता है, उसके ऊपर है वो एक फल भित्ती होती है कठोर, जिसको मारवाड़ी के अंदर वो राजस्थान के अंदर काम में लिया जाता था, आज भी काम में लिया जाता है कई गांव के अंदर, जो हम बोलते हैं राबड़ी, राबड़ी जो है उसको बाहर निकालने के लिए नारली काम में ली जाती थी, वही नारली होती है, अंत है फल भित्ती होती है, वो बहुत कठोर काष्ठी होती है। उसके बाद में रेशेदार, जो रेशेदार भित्ती है मध्य फल भित्ती वो होती है, और उसके बाद में एक चिकनी कठोर अधिक कठोर तो नहीं होगी, हरे रंग की होती है, बाद में वो टूट जाती है। तो तीन होती है, बाएं फल भित्ती, मध्य फल भित्ती और अंत फल भित्ती। तो जो नारियल का रेशा है वो मध्य फल भित्ती के अंदर पाया जाता है और वो स्क्लेरेन काइमा का उदाहरण है, यह ध्यान रखो स्क्लेरेन काइमा का बना हुआ होता है। स्क्लेरेन काइमा क्या है, एक प्रकार का उत्तक की मान लीजिए आप। अगला प्रश्न, स्क्लेरेन काइमा को दृढ़ उत्तक भी कहते हैं। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, वक्रीय नली में कौन सी एपिथीलियम पाई जाती है, वक्रीय नली में कौन सी एपिथीलियम पाई जाती है। अब देखो इसको समझना है पहले, वक्रीय एपिथीलियम जैसे आप इस प्रकार समझिए, ये बोमेन संपुट है, ये समीपस्थ कुंडलित भाग है, ये हेनले का लूप हो गया आपका, और फिर ये डिशीटी होगी दूरस्थ कुंडलित भाग, और ये होगी संग्रह नलिका। तो जो ये वक्र नलिका है ये, इसके अंदर क्या होता है, जो इसकी आंतरिक एपिथीलियम है वो घनाकार एपिथीलियम होती है, इस प्रकार की घनाकार, ताकि यदि से अधिक जो पदार्थ है उनका वापस अवशोषण हो सके। कक्षा आरबीएसई 10 की बुक के अंदर भी है और आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया रखा है और बायोलॉजी किताबों में होता ही है ऐसा। तो वक्री नली में कौन सी एपिथीलियम पाई जाती है, घनाकार एपिथीलियम, सी राइट हो जाएगा, यह ध्यान रखो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वक्री नली में कौन सी एपिथीलियम पाई जाती है, घनाकार एपिथीलियम, कक्षा 10 की बुक है, उठा कर देखना उसमें मिल जाएगा, उत्सर्जन तंत्र के अंदर। अगला प्रश्न, छाल की भित्ति पर हवा और पानी के प्रवेश को रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, जो पेड़ों के ऊपर छाल होती है उसकी भित्ति पर हवा और पानी के प्रवेश को रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, तो सीधा सीधा सुबेरिन, ध्यान रखोगे सुबेरिन का जमाव होता है इसका, सुबेरिन का। काइटिन क्या है, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, ध्यान रखोगे कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये ध्यान रखोगे। और केलोस है, ये जो चाल नलिकाएं होती है उनके ऊपर जमा होने से चाल नलिकाएं क्लोज हो जाती है, बसंत और शरद ऋतु कक्षा 11 का टॉपिक है बायो का, उसमें ये दे रखा है। अगला प्रश्न हमारा, विज्ञान के शिक्षण में पहला कदम है पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना या पाठ्य पुस्तक का पढ़ना, सिद्धांतों तथ्यों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित करना, जब भी दैनिक जीवन से संबंधित करना है आंख मीच कर ऑप्शन को राइट कर दीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, अनुदेशात्मक तकनीकी में अधिगम को सुविधाजनक बनाने हेतु सम्मिलित की जाती है, जो अनुदेशात्मक तकनीकी होती है उसमें अधिगम को सुविधाजनक बनाना है उसमें क्या क्या सम्मिलित की जाती है, प्रविधियां सम्मिलित की जाती है, विधियां सम्मिलित की जाती है,
शिक्षण सहायक सामग्री सम्मिलित की जाती है उपयुक्त सभी। तो सकारात्मक उत्तर है उपयुक्त सभी, ये प्रविधियाँ टेक्निक्स वगैरह मेथड वगैरह और जो शिक्षण सहायक सामग्री है इन सभी का उपयोग है वो अनुदेशात्मक तकनीकी में अधिगम को सुविधाजनक बनाने हेतु किया जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए जाते हैं? तो ये प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं या अप्रत्यक्ष होते हैं या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार के अनुभव प्राप्त, अगर कोई छोटी सी चीज है जिसको हम कक्षा में ला सकते हैं तो दृश्य साधन के द्वारा उससे प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त करवा सकते हैं, और कोई मॉडल लेकर आ गए हम तो उससे अप्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त करवा सकते हैं बच्चों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों। अगला प्रश्न, अनुदेशात्मक सहायक प्रणाली से लाभ है समय एवं परिश्रम की बचत, विषय को रोचक बनाना, विषय वस्तु की स्पष्टता उपयुक्त सभी। जो अनुदेशात्मक सहायक प्रणाली है उससे समय और परिश्रम की बचत होती है, बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, विषय का भी रोचक बन जाता है, बच्चे रुचि लेते हैं उसके अंदर, और विषय वस्तु है वो हमारी स्पष्ट हो जाती है, कठिनता से सरलता की ओर बढ़ते हैं उसके अंदर हम। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, विषय वस्तु काफी स्पष्ट हो जाती है, समझ में जाती है बच्चों को। अगला प्रश्न, शिक्षण सामग्री का प्रमुख तत्व है, शिक्षण सामग्री का प्रमुख तत्व है एक तो माध्यम, एक विधा, एक एवं दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं है, पिछले के टेस्ट में भी दे रखा है। जो शिक्षण सामग्री होती है उसके प्रमुख तत्व होते हैं माध्यम और विधा दोनों। तीसरा ऑप्शन सही होगा, एक एवं दो दोनों। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, छाया चित्र चलचित्र, देखो चलचित्र है वो दृश्य श्रव्य सामग्री है, जिसको हम फिल्म कह सकते हैं एक तरीके से, दूरदर्शन आप जानते हो टीवी को कहते हैं, ड्रामा, कोई ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है तो उसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, छाया चित्र होगा ये गलत होगा, पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है, अप्रक्षेपित यानी कि वो प्रक्षेपित है, यहाँ पूछा जा रहा है अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है। तो चार्ट है वो अप्रक्षेपित है, रेडियो अप्रक्षेपित है, पैकबोर्ड है ये भी एक अप्रक्षेपित है, स्लाइड जो होती है उसको हम प्रक्षेपण कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, तो फिल्म है, बुलेटिन बोर्ड है, ओपेक प्रोजेक्शन है, फिल्म खंड है। तो पहला, तीसरा और चौथा, तो ये तो इनको हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं। बुलेटिन जो बोर्ड होता है वो सूचना ही देने के लिए होता है, विद्यालय में जो गलेरी होती है उसमें लगाया जाता है, उसके ऊपर सूचना ही है वो जैसे टेस्ट संबंधी या रिजल्ट संबंधी या परीक्षा संबंधी जो भी है, फीस वसूलने संबंधी सूचना ही है, वो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर चिपका दी जाती है। अगला प्रश्न 27 नंबर, सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, जंतु विज्ञान में, उपयोग सभी में। तो सभी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। एक अच्छी विज्ञान पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कि वह अध्यापक निर्मित हो, जरूरी नहीं है सरल वे बोधगम्य भाषा में वो व्यापक हो, एक वे तीन दोनों, तो व्यापक होना भी इतना जरूरी नहीं है, सरल वे बोधगम्य भाषा में हो ये जरूरी है। एक अच्छी विज्ञान पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कि सरल वे बोधगम्य भाषा में, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, तो विज्ञान की बुक होती है, किताब होती है, उसमें विषय वस्तु का संगठन कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुरूप, छात्रों की आवश्यकताओं व रुचियों के अनुरूप, अध्यापक की आवश्यकताओं के अनुरूप, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सकारात्मक जो उत्तर होगा वही आपका आंसर होगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो छात्र केंद्रित आपको मानना है, छात्रों की आवश्यकताओं व रुचियों के अनुरूप। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को हम पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि
अधिक से अधिक लोगों तक इसको इसका जो फायदा है वो पहुंच सके। पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण का स्तर होता है स्मृति स्तर। उस देखो जो पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है उसके अंदर स्मृति स्तर के भी कुछ तथ्य डाले जाते हैं, बोध स्तर की कुछ बातें डाली जाती है, चिंतन जिसके ऊपर बच्चा सोच सके चिंतन कर सके उस स्तर की भी जानकारी उसके अंदर होती है पाठ्य पुस्तक के अंदर। तो जब उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो स्मृति स्तर की बातें भी बताई जाती है, बोध स्तर की बातें भी बताई जाती है और चिंतन स्तर की बातें भी बताई जाती है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 30% है, कुछ देर बाद ये वीडियो है यूट्यूब के ऊपर और टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। जय हिंद जय भारत। शेयर जरूर करना आप इसको और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।